अब तक हमने देखा था कि स्ट्रेसेस क्या होते हैं, स्ट्रेन्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स देखे थे, ठीक है। इस वीडियो में हम देखने वाले कि बॉडी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब भाई साहब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही क्यों, जब भी किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी कोई ना कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही रोल में आ जाती है। इसके लिए हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इलास्टिसिटी। अब समझो कि ये मेरी एक बॉडी है एंड इसको मैं दोनों तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं खींचने की कोशिश जब कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि सपोज ये बॉडी अगर 5 सेंटीमीटर की थी तो अब ये लेंथ इसका इंक्रीज होके ये होगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पे से लोड हटा देता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि ये जो 6 सेंटीमीटर की बॉडी अभी हो गई है वो फिर से अपने साइज पे आ जाती है, फिर से वो 5 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन किया उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ई से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड ये गवर्न करता है बॉडी की दो चीजें, एक तो स्टिफनेस एंड दूसरी इलास्टिसिटी। तो भाई साहब इलास्टिसिटी तो हमने देख ली, अभी स्टिफनेस क्या होता है। अब जब किसी भी बॉडी पे हम लोड लगाएंगे और उसे डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या इतने इजीली डिफॉर्म होती है, नहीं होती है, राइट। तो ये स्टिफनेस एक वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ई उतना ही ज्यादा स्टिफनेस, उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी। अब सपोज मैं कोई 4 मटेरियल लेता हूं, अगर एग्जांपल के लिए मैं कोई 4 मटेरियल ले रहा हूं, समझो स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन और रबर, एंड अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आएगा कि रबर, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसमें देखें तो रबर की इलास्टिसिटी सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि रबर पे जब भी हम लोड लगाएंगे वो इलोंगेट एकदम इजीली हो जाएगा। तो स्टिफनेस कहाँ है भाई साहब, स्टिफनेस तो है ही नहीं। तो इसके लिए रबर की इलास्टिसिटी सबसे कम होती है। अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील की इलास्टिसिटी होती है 2 × 10⁵ N/mm². अब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो स्टील के 33% होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 ऑफ स्टील होती है। सिमिलरली अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो स्टील के आधे होती है, मतलब 1/2 ऑफ ई ऑफ स्टील। बट अब जब मैं रबर की बात करूंगा तो रबर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 16 × 10�³ N/mm². तो भाई साहब यहाँ पे आ गया 10�³ एंड सबसे मिनिमम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर ये 4 मटेरियल में हम देखें तो वो रबर की होगी, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है प्लास्टिसिटी। अब जैसे हमने देखा था कि हमने बॉडी पे लगाया था लोड और बॉडी जो इनिशियली 5 सेंटीमीटर की थी वो 6 सेंटीमीटर की हो गई थी, ठीक है। और बॉडी पे से जब हमने लोड हटा दिया था तो बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिया था। बट सपोज हमने बॉडी पे से लोड हटाया
एंड बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन ही नहीं किया, तो वो क्या करेगी, वो अपने नए शेप एंड साइज को रिटेन कर लेगी, राइट? तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। सो वी कैन से कि प्लास्टिसिटी की वजह से बॉडी रिटेन्स न्यू शेप एंड साइज। ओके, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है ब्रिटलनेस। अब जब भी हम ब्रिटलनेस ये वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि बॉडी पे लोड लग चुका है और बॉडी ने कोई डिफॉर्मेशन किया नहीं, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी भी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन जरूर होगा, ठीक है? ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिस पे लोड लगाने के बाद डिफॉर्मेशन ना हो, ओके? अगर हम अभी कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, ये हमने सबको पता है, बट उस पे भी जब भी लोड लगता है ना तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता ही है। सो ब्रिटलनेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये वैसी बॉडी होती है जिसमें स्ट्रेन इज लेस देन 5%। कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे लोड लगाने के बाद डिफॉर्मेशन तो जरूर होगा बट उसका स्ट्रेन जो होगा वो 5% से अगर कम हो तो उस बॉडी को हम बोलेंगे ब्रिटल। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डक्टिलिटी। अगर हम किसी भी बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगा के उसका अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो जो लेंथ इंक्रीज होता है ना वो इस डक्टिलिटी की वजह से होता है, ये प्रॉपर्टी की वजह से वो लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है? अब हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल वायर्स है, राइट? तो वायर्स के अंदर हम देखेंगे कॉपर की पतली तारे होती है, वो ऐसे ही बनाई जाती है, वो कॉपर को खींच खींच के उसकी लेंथ इतनी पतली हो जाती है कि उसको हम वायर्स की इसमें रैप कर सकते हैं, ठीक है? सो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच ऑन अप्लाइंग टेंसाइल लोड वी कैन अलोंगेट अ बॉडी टू सच एक्सटेंट दैट इट कैन बी रोल्ड इन टू थिन वायर्स। ओके, अब अगर सबसे डक्टाइल मटेरियल की हम बात करें तो इसका एग्जांपल होता है गोल्ड। गोल्ड सबसे डक्टाइल। नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी मटेरियल को पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है? अगर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो हम जब भी किसी भी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं ना मिठाई के ऊपर एक पतली सी सिल्वर परत चढ़ी हुई होती है, तो वो कैसे बनती है? वो एक छोटे से मटेरियल को लेके उसको पैड्स के बीच में उसको प्रेस कर कर करके उसका सरफेस एरिया जो होता है उसे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? सो इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे मेलिएबल मटेरियल जो होता है वो होता है गोल्ड, ठीक है? सबसे डक्टाइल भी गोल्ड ही होता है, सबसे मेलिएबल की बात करें तो वो भी गोल्ड ही होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे
तो वो है हार्डनेस। अब अगर मैं इस बोर्ड को स्क्रैच करने की कोशिश करता हूं तो क्या इस पे स्क्रैच आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट? तो कोई भी मटेरियल पे जब भी हम कोई स्क्रैचिंग करने की कोशिश करें तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो स्क्रैचिंग रेजिस्ट करे उसे हम बोलते हैं हार्डनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है टफनेस। अब हमारे दिमाग में यूजुअली एक कंसेप्शन होता है कि हार्डनेस और टफनेस एक ही चीज होती है, बट हार्डनेस एक अलग चीज है, टफनेस एक अलग चीज है। अभी अगर मैं इस बोर्ड पे पंच करने की कोशिश करूं तो पंचिंग एक इंपैक्ट लोड होगा, या मतलब सडन लोडिंग होगी, एंड इस सडन लोडिंग की वजह से क्या ये बोर्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा, राइट? सो टफनेस बॉडी की वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इंपैक्ट लोड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फेलियर को टाल देता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स इंपैक्ट लोड टू रेजिस्ट फेलियर। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्रीप। सपोज ये एक मेरी बॉडी है एंड इसमें मैंने एक लगाया लोड पी। ठीक है, अब जब मैं ये लोड लगाता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाएगा 1 mm का। ओके, अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, ये लोड भी ऐसे ही लगा हुआ है, एंड मैं 6 महीने बाद आता हूं। अब जब मैं 6 महीने बाद आऊंगा ना तो मैं नोटिस करता हूँ कि ये जो पहले डिफॉर्मेशन 1 mm का था अब वो करीब करीब 5 या 6 mm का हो गया, बट अपना लोडिंग तो कॉन्स्टेंट था एंड डिफॉर्मेशन बढ़ गया, राइट? सो क्रीप इज अ डिफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस विद टाइम अंडर कॉन्स्टेंट लोडिंग। बेसिकली हुआ क्या, ये लोड जब हमने इनिशियली लगाया था ना तो तब बॉडी ने जितना स्ट्रेस डेवलप किया था अब 6 महीने बाद बॉडी उतना स्ट्रेस डेवलप नहीं कर पा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी का स्ट्रेस जीरो हो गया, स्ट्रेस तो डेवलप कर रही है बॉडी, बट इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रेस था अब वो उतना स्ट्रेस नहीं है बॉडी में। ठीक है, एंड ये क्यों होता है? जब भी अगर हम कोई बॉडी को अगर छोड़ दे तो उस पर टेम्परेचर की वजह से भी चेंजेस आते हैं। सो टेम्परेचर की वजह से बॉडी का जो स्ट्रेस जनरेट करने का कैपेसिटी था वो अब कम हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो है फटीग। सपोज कोई मेरा एक मटेरियल है एंड मैं उसके ऊपर रिपीटेटिव लोडिंग कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये मेरी ट्रेन की ट्रैक्स है एंड मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेन आ रही है जा रही है, ठीक है, तो ये रिपीटेटिव लोडिंग होगी या साइक्लिंग लोडिंग भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूसली ट्रेन तो आती रहेगी, ट्रेन जाती रहेगी, ट्रेन का काम ही वो है। सो सपोज यहाँ पे कोई क्रैक डेवलप हो जाता है, अब क्रैक डेवलप होने की वजह से ट्रेन तो रुकेगी नहीं, ट्रेन तो अपना काम करते रहेगी, आएगी जाएगी बार बार, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन का आना जाना चलता रहेगा ना तो ये क्रैक बढ़ बढ़ के एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये मेंबर टूट जाएगा। ठीक है, सो फटीग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फेलियर ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेनेसिटी। ये मेरी बॉडी थी,
इसके ऊपर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया था, ठीक है, इसको इलांगेट करने के लिए, बट टेंसाइल फोर्स लगा थी, क्या ये फेलियर हुआ था इस बॉडी का? नहीं हुआ था ना. सो टेनिसिटी कुछ नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट फेलियर ड्यू टू टेंसाइल लोडिंग. ओके okay.